नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है वो है नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र से पटना जंक्शन तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। इस वीडियो में हम आगे ये बात करेंगे कि नागपुर से पटना या पटना के आसपास के कोई भी स्टेशन तक कौन कौन सी गाड़ी चलती है, उसकी सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है वो है नागपुर से पटना तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र से पटना जंक्शन या पटना जंक्शन के आसपास के कोई भी स्टेशन है वहाँ तक नागपुर से पटना तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उस ट्रेन का नाम क्या है, नंबर क्या है, नागपुर से वो जो ट्रेन है कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म से चलती है और पटना के कौन से स्टेशन पर वो पहुँचती है, कितनी देरी में वो दूरी जो है अपनी कवर करती है और कौन से दिन वो चलती है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं और वो जो ट्रेन है कितना डिस्टेंस कवर करती है और उसकी एवरेज स्पीड क्या है इस रूट पे, इसके बारे में बात करेंगे। नागपुर से पटना जंक्शन के बीच में तकरीबन जो है 8 ट्रेनें चलती हैं। 2 जो है मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, 5 सुपर फास्ट ट्रेनें हैं और 1 हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन है। जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है पूर्णा पटना एक्सप्रेस, जो 22 घंटे 5 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है। और जो सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है वो है अर्नाकुलम बरौनी रप्ती सागर एक्सप्रेस, जो कि 26 घंटे 55 मिनट में नागपुर से पटना की दूरी जो है कवर करती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं एक एक करके नागपुर जंक्शन से पटना जंक्शन तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उसका ट्रेन का क्या डिटेल्स है। तो नागपुर से पटना के बीच में जो सबसे पहली और जो सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है वो है पूर्णा पटना एक्सप्रेस। ये वैसे ट्रेन जो है मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, बट 22 घंटे 5 मिनट में ये ट्रेन जो है नागपुर जंक्शन से पटना जंक्शन की दूरी जो है कवर कर लेती है। पूर्णा पटना एक्सप्रेस जो है इस ट्रेन का नंबर है 17610। वैसे ये ट्रेन जो है पूर्णा जंक्शन महाराष्ट्र से पटना के बीच में चलती है, बट मैं जो आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वो नागपुर जंक्शन से पटना की बता रहा हूँ। नागपुर जंक्शन से ये हर शनिवार को 1 नंबर प्लेटफॉर्म से नागपुर जंक्शन से सुबह 4:25 पर रवाना होती है और पटना जंक्शन में ये 22 घंटे 5 मिनट बाद रात के 2:30 पर पहुंचती है। हर शनिवार को ये नागपुर जंक्शन से रवाना होती है और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। 1258 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। उसके बाद जो दूसरी इस रूट पे ट्रेन चलती है वो है अर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस, जो वाया तिरुपति होकर चलती है। अर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस जो है इस ट्रेन का नंबर है 16359। ये जो ट्रेन है साउदर्न रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है। नागपुर जंक्शन से हर सोमवार को सुबह 7:45 पर यह ट्रेन जो है रवाना होती है और पटना जंक्शन में ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे 26 घंटे 5 मिनट बाद पहुंचती है। ये जो ट्रेन है इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं, हर सोमवार को ये चलती है और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। 1264 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है तकरीबन 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में जो है सुपरफास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाता और ये सिर्फ हर सोमवार को चलती है, जो कि अर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस वाया तिरुपति होकर नागपुर से पटना के बीच में हर सोमवार को ये चलती है। उसके बाद जो डेली ट्रेन है इस रूट पे वो है संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। के बारे में संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 12295। संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, संघमित्रा एक्सप्रेस जो है सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है और इसे साउथ वेस्टर्न रेलवे डिवीजन जो है ऑपरेट करता है। नागपुर जंक्शन से ये रोजाना सुबह 8:30 पे रवाना होती है और 24:35 बाद ये पटना के पास दानापुर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 9:05 पे और इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं। डेली ट्रेन है, इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। 1248 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद जो अगली सुपरफास्ट ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है बागमती एक्सप्रेस। बागमती एक्सप्रेस जो है वीकली ट्रेन है, हफ्ते में एक दिन चलती है। हर इतवार को ये नागपुर जंक्शन से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह 10:30 पर रवाना होती है और पटना जंक्शन में ये 23:05 बाद सुबह 9:35 पर पहुंचती है। इस ट्रेन का नंबर है 12578 और इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं और ये हर इतवार को चलती है और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। 1258 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 54 किलोमीटर पर आवर और ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। इस रूट पे इसकी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बट एवरेज स्पीड जो है इसकी वैसे 55 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है यशवंतपुर पाटलिपुत्र सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है वैसे बेंगलोर से पाटलिपुत्र यानी कि पटना के बीच में चलती है, बट मैं जो आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वो नागपुर से पटना की बता रहा हूँ। यशवंतपुर पाटलिपुत्र सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो है
नागपुर जंक्शन से हर मंगलवार को सुबह 10:30 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का नंबर है 22352 और पटना के दानापुर जंक्शन में ये सुबह 9:15 पर 1A प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 22:45 पर अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशन से हर मंगलवार को चलती है और उसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं और 1248 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसके बाद नागपुर से पटना के बीच में जो अगली ट्रेन चलती है वो है बनसवड़ी पटना हमसफर एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 22354। ये जो ट्रेन है हर सोमवार को नागपुर जंक्शन से दोपहर के 1:40 पर रवाना होती है और पटना जंक्शन बिहार में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:45 पर पहुंचती है। 23:05 अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है। इसके तकरीबन 12 स्टेशन हैं और हर सोमवार को ये चलती है। इसमें सिर्फ थर्ड एसी के कोच होते हैं और 1258 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। ये हम सफर टाइप की ट्रेन है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर। इसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीजन जो है ऑपरेट करता है और इस ट्रेन का नंबर है 12354। इसके बाद जो सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है इस रूट पे जो कि 26:55 पर अपनी जर्नी जो है कवर करती है वो है अरनाकुलम बरौनी रप्ती सागर एक्सप्रेस। रप्ती सागर एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 12522। नागपुर जंक्शन से ये जो ट्रेन है हर इतवार को शाम के 4:55 पर रवाना होती है और पटना के पास हाजीपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है 26:55 पर पहुँचती है 4 या 5 प्लेटफॉर्म पर हर शनिवार को और ये जो ट्रेन है इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। 1487 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा कवर करती है इसलिए ये जो ट्रेन है ज़्यादा टाइम लगाती है इस रूट पे। इसके बाद नागपुर से पटना के बीच में जो आखिरी ट्रेन चलती है वो है सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है वैसे हैदराबाद के सिकंदराबाद जंक्शन से दानापुर पटना के बीच में चलती है बट मैं जो आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वो नागपुर से पटना की बता रहा हूँ। नागपुर जंक्शन से ये रोजाना शाम के 7:15 पर रवाना होती है। इसे साउथ सेंट्रल रेलवे डिवीजन जो है ऑपरेट करता है और इस ट्रेन का नंबर है 12791। ये जो ट्रेन है रोजाना शाम के 7:15 पर नागपुर जंक्शन से 1 प्लेटफॉर्म से चलती है और 23:40 बाद ये ट्रेन जो है पटना के पास दानापुर स्टेशन में शाम के 6:55 पर पहुँचती है। 23:40 में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। ये डेली ट्रेन है और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। 1254 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। दोस्तों इसी के साथ नागपुर से पटना तक चलने वाली सभी ट्रेन की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे। और अगर अभी तक आपने इंडियन रेल मुसाफिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और बेल आइकन दोबारा मत भूलें। धन्यवाद।